सिंगरौली जिले के मोरवा वार्ड क्रमांक 9 के हितग्राही एलआईजी सामुदायिक भवन के पास में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन की मनमानी से परेशान हैं। शासन के नियमों को ताक पर रखकर सेल्समैन अपनी मर्जी से खाद्यान्न की कटौती पर वितरण करता है। हितग्राहियों ने बताया कि सेल्समैन अभद्रता के साथ में पेश आता है, जिसके बाद में परेशान होकर उसके खिलाफ मोरवा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी को शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वार्ड 9 के पार्षद प्रतिनिधि प्रवीण तिवारी ने बताया है कि सेल्समैन अधिकारियों के साथ में सांठगांठ कर खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार करता है। सेल्समैन खाद्यान्न में मनमानी कटौती हितग्राहियों से अभद्रता पर आमद है। वहीं कई गरीब खाद्यान्न लेने से वंचित रह जाते हैं, लेकिन वह अधिकारी से सांठगांठ कर गरीबों के हक का राशन ज्यादा कीमत में दूसरों को बेच देता है। ऐसे लापरवाह सेल्समैन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूर्व में भी खाद्य अधिकारी से शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। लापरवाह से हम लोग हैं, इलाजी चौराहे पे कोटा है वो रजिंदर का, और वो जब भी हम लोग कोटा लेने जाते हैं तो हमेशा बदतमीजी से पेश आता है और हमेशा कम देगा। जब भी जाएंगे हर महिला का ये हर महीना एक भी नहीं, जब कोटा खुलेगा तब इसका चालू नौटंकी हो जाता है। आईजी सामुदायिक भवन के पास वार्ड नंबर 9 का कोटा है। कोटेदार एक तो अपने घर में कोटा संचालित कर रहा है। पिछले कई महीने से इस लॉकडाउन के पीरियड में बार बार इन महिलाओं के द्वारा शिकायत की जाती रही है कि राशन हम लोग 50 किलो जो शासन के द्वारा आता है, जब हम लोग घर में नापते हैं तोलते हैं तो 36 किलो निकलता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कांटा सबको कांटे से तोलने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ पे एक डब्बा नाप के हिसाब से रख लिया है, उस डब्बे से नाप के इन लोगों को बेचारों को दे देता है। और जब ये लोग आपत्ति करते हैं तो इनसे अभद्रता गाली गलौज करता है। ये राजेंद्र सिंह के नाम से कोटा है, लेकिन उनका बेटा अमित वहाँ पे कोटे में राशन वितरित करता है। खाद्य अधिकारी बैठन में शुक्ला जी हैं, उनको हम लोग ने फ़ोन करके सूचना दी थी इस चीज़। उनको फोन सूचना देने के बाद उन्होंने किसी नगर निगम के कर्मचारी को यहाँ भेजा। तब तक यहाँ पे भीड़ वहाँ पे जो हितग्राही है वहाँ पे रहते नहीं, वो कोटेदार अपने हिसाब से उनको समझा देता है और वो संतुष्ट होकर चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस आपातकाल स्थिति में अगर हितग्राहियों को राशन 50 किलो की देनदारी है जिसको, उसको 36 किलो मिल रहा है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और संबंधित कोटेदार के ऊपर आज प्राथमिकी दर्ज हो, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।